अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करेंगे तुम सब ठीक होंगे। मेरा वीडियो का टॉपिक यही है कि हमारी वीडियो क्यों नहीं वायरल जाती है। वायरल जाने का कोई तरीका, कोई ट्रिक, कोई चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले अपना थंबनेल को मज़ीद बेहतर करें। थंबनेल अगर बेहतर होगा तो आपके ऑटोमेटिकली व्यूज़ आएंगे। आप अपना थंबनेल को मज़ीद बेहतर करें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जो दूसरे यूट्यूबर हैं उनका थंबनेल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके व्यूज़ आते हैं। लेकिन उन्होंने 2-3 साल 4 साल मेहनत की है, इसलिए उनके व्यूज़ आते हैं। इसलिए उन्होंने मेहनत की है, और हमारे न्यू यूट्यूबर के लिए यही मौका है कि अपने थंबनेल को मज़ीद बेहतर करें, क्योंकि अट्रैक्टिव जितना ही थंबनेल होगा तो ऑडियंस क्लिक करेगी। यही मेरी बात है कि जब ऑडियंस क्लिक करेगी कि थोड़ी बड़ी वीडियो अच्छी होनी चाहिए, कि बंदे बंदे देखें, और आगे 1-2 मिनट या 3 मिनट जितनी भी वीडियो उतने ऑडियंस देखती जाए, आगे देखती जाए देखती जाए, इतनी ही अपनी आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। इम्प्रेशन आपका था, व्यूज़, हर चीज़, यानी कि इम्प्रेशन अच्छा आएगा तो वीडियो और मज़ीद ऊपर जाएगी। इसलिए वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। थोड़ा सा जो आप बना रहे हैं उससे थोड़ा सा और बेहतर बनाएं, इसलिए आपकी वीडियो वायरल नहीं होती है। आप सोच रहे हैं कि जो दूसरे यूट्यूबर हैं वो इतनी अच्छी, यानी कि इतने अच्छे व्लॉग नहीं बनाते, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारी वीडियो वायरल नहीं हो जाती? नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपने मज़ीद और मेहनत करें, क्योंकि आप 20-30 दिन लगाकर या चार चार 2-3 माह लगाकर छोड़ देते हैं क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। इसको मज़ीद कंटिन्यू आगे रखो। आप यूट्यूब में वायरल होना चाहते हो तो मज़ीद वीडियो अपलोड करते रहो, यूट्यूब को थोड़ा सा टाइम दो। ऐसे नहीं कि आप 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किए, 3 महीने काम किए, छोड़ दिया, व्यूज़ नहीं आ रहे। क्यों? आप टाइम दोगे तो व्यूज़ आएंगे। यही मैं बात कहना चाहूँ, थंबनेल के आगे यही मैं बात कहना चाहूँगा, यूट्यूब को थोड़ा सा टाइम दो। टाइम दोगे तो आपके व्यूज़, इम्प्रेशन, हर चीज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ आएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगे। यही मैं बात कहना चाहता हूँ। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़।